और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया हो गया। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पर स्टूडियो में। अब आज की वीडियो में रहने वाले तीन गेम प्ले, तीन जॉर्ड लेवल गेम प्ले, तीनों लास्ट जोन के गेम प्ले विद एक्स्ट्रा चिकन मार के, बैक टू बैक चिकन बोलते हैं ना। तो तुम्हारा भाई देखो मस्त लॉबी का कुत्ता सा बनाने वाला है, अभी बस देखते जाओ, दो ही किले बस देखो तुम देख रहे हो ना। हाँ तो देखो ध्यान से देखो, तुम्हारा भाई मस्त जोन के सेंटर में आके डायरेक्ट पुश कर दिया था, बंदा होगा देख लिया जाएगा है ना। इसके बाद तो एकदम फाइट लेनी ही है आप लोगों को भी ऐसे खेला लास्ट जोन में। अगर आप लोगों के पास अच्छा डिवाइस है और थोड़ा बहुत अच्छा खेल लेते हो तो तुम्हारे भाई ने डायरेक्ट सेंटर में पुश कर दिया था। और बाकी कल तुम्हारा भाई ले आएगा डेडिकेटेड वीडियो, अगर लो एंड डिवाइस है तब कैसे खेलना है समझा के संज्ञायर में बंदे समझते नहीं है, तो कल फिर वीडियो ही लेंगे एकदम अच्छे से। तो लो एंड डिवाइस वाले कल की वीडियो भी देखना और आज की तो देखो ही मजा आएगा तुम्हें। अभी देखो कैसे चिकन निकाले जाएंगे। और बाकी देखो अपने फर्स्ट गेम प्ले की बातचीत करी जाए तो खेलने की सिंपल सी स्ट्रेटेजी, तुम्हारे भाई के इवेंट पे कद्दू खेलना होते तो इवेंट जाए अपनी अइयां मियां कराने, अपन लास्ट जोन में किल निकाल लेंगे है ना। उभरते हुए भारत का अखंड प्रो प्लेयर बोलते हैं, दो ही किल थे अपने अच्छे खासे। अब देखो अब जो भी रोटेशन आएगी बस उसका कुत्ता बनाया जाएगा। पहली रोटेशन आती है थोड़ी देर के बाद, देखो भाई साहब को ठीक ठाक सा डैमेज दे दिया। तो और बाकी देखो तुम अपने भाई के नेड मौली फलाना ढिमकाना घोड़ा घसन सब जानते हो है ना। पहला वाला नेड बस हल्का सा पीछे रह गया लेकिन मौली से काम 25 कर देंगे। देखो अब पहला वाला नेड फेंकते वक्त ना हल्की फुल्की सी कमजोरी सी छा गई थी तो कोई बात नहीं, मौली ने काम 25 कर दिया। अब इन भैया जी को निपटाने के बाद अपने अच्छे खासे तीन किल हो गए थे। अभी बस देखते जाओ यहाँ से टोटल कितने किल्स के साथ में चिकन निकाला जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद एक और रोटेशन आती है और बंदे कैसे नशे में है। नहीं मतलब अभिजीत भाई साहब सेक है तो उसके पास में ही गाड़ी रोक लेते, इतना पेट्रोल बचा के कहाँ जाओगे। नहीं मतलब तुमने जो ये 4-5 मीटर की दूरी पे गाड़ी खड़ी करी है उतने में तुम्हारी पेट ही डल गई है, तो थोड़ा ध्यान से है ना अगली बार। बहुत को छू के टक से वापस आए हो एकदम। अब अपन बच गए तो देखो वो नहीं बचेगा डीबीएस मतलब हाँ धब ऋषु भाई साहब का धब। हाँ लेकिन अपन देखो स्टाइल में मारते हैं ना एफपीपी करके एकदम आराम से धब बाय चांस मिस हो जाए ना तो फिर मेरे को अपने ऊपर ही गुस्सा आता कि एफपीपी करने की क्या चुल थी, क्यों करा मैंने एफपीपी, ज्यादा स्टाइल मार रहा हूँ। अब ये भाई साहब जस्ट 1 HP, इनका ठेला पूरा लाल हो गया होगा अच्छा खासा है, मतलब 1 HP बचा मुश्किल से। तो अब इन भैया जी को देखो कैसे निपटाया जाएगा, मतलब मौका ही नहीं दिया तुम्हारे भाई ने। और बाकी बहुत से बंदे बोल रहे थे कि कार ट्रेसिंग पे वीडियो ले आओ कि कैसे सुधारी जाए, चाहिए क्या कार ट्रेसिंग ड्रिल्स पे वीडियो चाहिए। तो शांति से वीडियो का 1000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, तुम्हारा भाई ले आएगा। और वैसे मैं देखो तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, तुम्हारे भाई ने आज तक ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके ट्रेनिंग नहीं की है ना कार स्प्रे सुधारने की, ना कोई सा स्प्रे सुधारने की, मैं नॉर्मल खेलता और बिना ट्रेनिंग के तुम्हारे भाई के कार स्प्रे से टन बच जाता है गलती से कभी कभार, तो कुछ तो पता ही होगा ना तुम्हारे भाई को अच्छा खासा, तो वो चीजें तुम्हारा भाई तुम्हें बता देगा। और एक दो ड्रिल्स भी बताऊंगा जो कि मुझे एक्सपीरियंस से मालूम है कि एकदम सही है, तो तुम्हें अच्छी खासी वीडियो लगेगी है ना, तो लाइक कर देना। और बाकी देखो जोन का सेंटर होल्ड करा है तो भैया ऐसे आलसी पना नहीं चलेगा है ना, जोन का सेंटर पकड़ा है तुमने, सेंटर पे बैठे हो तुम, सेंटर पे मतलब इन शॉर्ट देखो प्रो प्लेयर हो तुम एक नंबर के है ना, मानना है तुम्हें, हो नहीं वो अलग बात है, मैं भी मानता हूँ खुद को हूँ नहीं वो अलग बात है ना। तो एकदम आराम से बैठना और बंदों को ऐसे निपटाना, देख रहे हो 6-7 किले ऐसे हो जाएंगे। और बाकी देखो जय गिरधारी भाड़ में जय दुनिया सारी, जब तुम्हारे भाई को लूटना है तो फिर मेरे को लूटना है, भले कितनी भी लूटो, बगल में बीआरडी वाला बंदा और मैं लूटने में लगा पड़ा हूं। बाकी देखो सामने वाले बंदे के सोचने से पहले कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या करेगा उससे पहले तुम्हारा भाई सोच लेता कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकता है और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है। तो देखो फिर एक नेट काफी है तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दर्द पीड़ा मिटाने के लिए विद जिंदगी, मैं तुम्हें बता तो रहा हूं, तुम बस लाइक करो। अगर मैं डिमोटिवेट ना हुआ ना तो लॉबी डिमोटिवेट कर देनी तुम्हारे भाई ने, बस इवेंट पे किल नहीं निकल रहे यार, इवेंट पे एक बार दवाई मचनी चालू हो जाना फिर तो देखो 15-16 किल कहीं नहीं गए हर गेम में। तुम खुद सोचो जो बंदा 2 किल के साथ में आ रहा है एंड जोन में, पूरा मैच उसने बैठ के मस्त इंस्टा स्क्रॉल करा है, हाथ सेट नहीं है, तब आके आराम से 10 किल तक पहुंच रहा है, तो फिर भैया क्या कुत्ता बनाया जाएगा लॉबी का जब एकदम हाथ सेट होगा अच्छे से। अब देखो आप लोगों को भी ना किल फीड हमेशा नोटिस करते रहना चाहिए। अब मैंने वहाँ पे नोटिस कर लिया कि एक बंदा पूरा मर चुका और एक बंदा नॉक पड़ा है जिसको मैंने इतना अच्छा खासा डैमेज दिया था, तो तुम्हारा भी पहली फुर्सत में पहुंच जाता है, लेकिन बस मरते मरते बचाओ यहाँ पे। एक तो भैया इनकी पता नहीं गोलियां कैसे चिपकती है भाई, ये मजाक सेट के बहुत भयंकर वाला मर रहा हूँ मैं आजकल भाई, बंदों की गोलियां इतनी भयंकर चिपकती है ना, 2 सेकंड में हेल्थ गायब, मतलब जैसे हेल्थ थी नहीं, 1 HP में फाइट ले रहा मैं। अब देखो लास्ट जोन में 3 बंदे मछलियां उड़ा रहे थे जिनमें से 2 बंदे नीचे आ गए, अभी सिर्फ 1 बंदा मछली उड़ा रहा और 1 बंदा तो पहले से नीचे था, और मैं इस बंदे को एकदम ईजी निपटा सकता था लेकिन चूल है ना नेड वेड करने के बिना, मतलब कि 1 किल कम हो गया। अब इन भाई साहब को निपटाने के बाद लास्ट बंदा बच रहा है, तो अब इन भाई साहब से भी फाइट देख लो।
अब मैंने इसको अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, मेरे को पता था हल्की फुल्की तो चुलकम हो गई होगी भाई साहब की। अब मैं सोच रहा है ये कूदे कूदे कूद ही नहीं रहा है तो तुम्हारा भाई भी चढ़ लेता फिर ऊपर, है ना। जब वो ऊपर घूम रहा है मैं नीचे अकेले क्या करूँ, तो मैं भी चढ़ लिया भैया चलो। और एक तो इस मछली का पता नहीं साउंड कैसा आता है, साउंड ऐसा आता है बिल्कुल बगल में हो लेकिन इतनी ज्यादा दूर होती है ना। और बाकी लैंडिंग इससे सीखनी पड़ेगी भाई, बड़ी घटिया लैंडिंग करता है। मैं ये ढूंढ रहा है बंदा गया का तो कर लो बात भाई साहब, ऊपर से नजारे देख रहे नजारे। और बाकी अब ये सीन देखो, ये मैंने रोका नहीं है, ये आईफोन 14 के नशे हैं। आईफोन को उसकी औकात दिखाई जा रही है बीजमाई द्वारा। वे 14 है आईफोन का, 14 है तू। अभी देखो उस वाली गेम प्ले से अपने को अच्छा खासा 32 पॉइंट्स का प्लस मिल गया था, तो देख रहे हो लास्ट जोन में कुत्ता बना दिया तुम्हारे भाई ने लॉबी का। अभी देखो बातचीत कर लीजिए सेकंड गेम प्ले की, दोबारा से जोन का सेंटर, सेंटर नहीं था मतलब अब नापूंगा थोड़ी, बिल्कुल सेंटर की तरह था अच्छी पोजीशन। बाकी देखो इन भाई की आईडी में तुम्हारे भाई ने कल 350 के आसपास रैंक लगा दी थी, तो और आज भाई साहब को कॉन्करर मिल चुका है। तुम्हारा भाई बैकग्राउंड में ना 2-3 आइडिया और लेके चल रहा है, जो कि कुछ मैं कर रहा हूँ कुछ मेरे भाई बंधु कर रहे हैं। आप लोगों को कॉन्करर मिलेगा उस चीज की गारंटी मेरी है, तो मेरी साइड से ये आईडी कॉन्करर। तो अभी मेरे पास 2-3 आईडीज और है, जैसे जैसे होता जाएगा तुम्हारा भाई स्क्रीनशॉट दिखाता जाएगा। और बाकी तुम्हारा भाई तो देखो अलग ही कारनामे करता जब खेलता, तो लो फिर एक और टंटन देख लो, लाइक करो तुम इसके लिए और क्या। बस भाई मजाक थोड़ी है, देखो सही बता रहा हूँ भाई, मेरा तुम मेरे पे भरोसा ना करो, करो ये प्रो प्लेयर है कि नूब है। कभी कभार मैं इतना गंदा पिलता हूँ कि तुम भी बोलोगे भाई कितना नूब बंदा है, कभी कभार इतना गंदा मारता हूँ कि भाई तुम पक्का बोलोगे ESP पता नहीं कौन कौन सा ऑटो एम भलाना निमकाना लगा रखा। अब बाकी इस वाले अपडेट में देखो तुम कहीं और स्पॉट करो चाहे ना करो, पेड़ जरूर देखते रहना, पेड़ पे तुम्हें मछलियां लटकी हुई दिखेंगी भाई। सही बता रहा हूँ कलयुग आ चुका है, गेम में तुम्हें पेड़ में मछलियां लटकी हुई दिखेंगी और मछली के ऊपर एक चिरांत। अब देखो तुम्हारे भाई ने औकात से बाहर स्प्रे मार मार के M4 की तो गोलियां खत्म की थी है ना। तुम्हारे भाई ने AKM भी ना छोड़ी, मैंने AKM की भी यहाँ पे खूब बर्बाद करी है। मैं AKM+6X चला रहा हूँ, वो भी सप्रेसर लगा के, वो भी ऑटो एकदम आराम से। अब तुम्हारे भाई यहाँ पे आ गया था लूट वूट करने, और बाकी देखो बेशर्मी की भी ना एक हद होती है, तुम्हारा भाई उस हद से आगे जाता है एकदम आराम से। भाई मेरे को गोलियां पड़ रही है, मैं 1 HP हो चुका, उसके बाद भी तुम्हारा भाई बेशर्म की तरह लूट रहा है। मैंने सिर्फ हेल्थ उठाई है और कुछ नहीं उठाया, मेन मेरे को एमओ चाहिए थी वो तो उठाई नहीं है। कोई ना, जितनी एमओ है उतने में काम 25 कर देंगे। और बाकी देखो तुम लोग ना मेन गेम प्ले देख के सीखा करो, कॉमेंट्री सुन के मजे करा करो, है ना, दोनों चीजें मिलेंगी तुम्हें इधर। अभी अगर मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बोल के बताऊंगा फिर मेरे व्यूज गिर जाते हैं। भैया तुम्हें अच्छी नहीं लगती वीडियो तो तुम्हारा भी बोल के नहीं बताने, देख ले करो। और बाकी देख सकते हो अगर तुम्हारे पास लास्ट जोन में ना गाड़ी है ना ये है ना BRDM है ना फलाना है ना ढिमकाना है, तो तुम्हारे साथ में ऐसे ही चमत्कार होएगा, चमत्कार चा चमत्कार होएगा, है ना। कहीं से भी धर ले जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ से चमत्कार हो गया और तुम्हारी पेटी डल गई। अब बाकी देखो तुम्हारे भाई को ये उड़ने वाली मछली चेंज करनी थी, क्योंकि अपने वाली की मैंने बैंड बजवा दी थी और मेरे को पता था BRDM वाले में चुल तो मचेगी। और बाकी ये मछली से भैया कब सही से कूदूंगा, मैं हर बार दूसरी साइड कूदता हूँ। खैर अभी के लिए देखो अपने अच्छे खासे 7 किल हो गए थे, थाला फॉर ए रीजन। अब बचा लास्ट बंदा जो कि थोड़ी देर के बाद पता नहीं कहां से निकल के आता है, मैं आधे घंटे तक इसे ढूंढ रहा BRDM में बैठ के, उसके बाद ये भाई सब निकल के आते हैं। तो अब इन भैया जी से फाइट देखो, अब यहाँ तक पूरा स्प्रे देने तक तुम्हारा भाई अच्छा खासा सोच रहा था निपटा दूंगा, फिर मेरा ध्यान जाता कि भैया मेरे पास एमओ नहीं है, है ना। तो तुम्हारा भाई सोचते कि अब कोई सी पेटी लूटी जाए, तो जाते फिर पेटी वेटी लूटते हैं, लेकिन उसका ज्यादा काम नहीं हुआ, बस एक नेट काफी है ना। देखो एक नेट काफी है तुम्हारी जिंदगी का सारे दुख दर्द पीड़ा मिटाने के लिए विद जिंदगी, आराम से है ना काम 25 बहुत ईजी। भैया जी ने भी नेट करा था, उससे घंटा फर्क ना पड़ा, अपना वाला नेट है OP। अब इन वाले भैया जी को निपटाने के बाद अच्छे खासा अपना 8 किल के साथ में चिकन हो गया था। देखा लास्ट जोन में फिर कुत्ता बना दिया, 3 किल के साथ में आया था, उन 3 में भी 2 बंदे थे इवेंट पे जो मारे थे। अब बाकी देखो अब उस वाले में ऐसे भी अच्छा खासा 31 पॉइंट्स का प्लस मिल गया था। और बाकी उस वाली आईडी में, उस वाली नहीं ये जिसमें खेल रहा हूँ जिसके गेम प्ले ला रहा हूँ, इस वाली आईडी की भी 2200-2300 के आसपास रैंक चल रही है। फुल ट्राई है कि आज कॉन्करर हो जाए। और बाकी देखो तुम लोग जानते हो यार व्हाई आई कॉल्ड माई सेल्फ नेट गॉड, नहीं मानते आ जाओ दिखा देते हैं। वह भाई मतलब मजाक से हटके बीच में बंदे बिल्कुल हल्के में लेने लग गए, भाई मर्जी ट्वाइटी है कौन, आ जाओ दिखा देते हैं मर्जी ट्वाइटी है कौन। एक नेट काफी है तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दर्द पीड़ा हटाने के लिए विद जिंदगी। बंदा भी लाइक ना तो कुछ साउंड आया ना कुछ आया, ये नेट उड़ता फिरता आया कहां से। तुम्हारा एकदम आराम से आके भैया जी को निपटा देता है। अब देखो लास्ट जोन में फिर 2 किल के साथ में आया था, अभी तुम देखते जाओ टोटल कितने किल्स होने वाले और बाकी कितने किल मेरे चोरी हुए हैं। बस देखो यहाँ पे आराम से आके होल्ड कर लिया था, जोन का सेंटर था लगभग। बाकी देखो जोन का सेंटर पकड़ा है तो स्प्रे बाजी चलती रहनी चाहिए, बंदे को गोली
लगे ना लगे उस पर स्प्रे जरूर लेना है। बंदे की हल्की फुल्की से तो तशरीफ में उलट पुलट हो जाता है, ठीक है। स्प्रे लोगे तो बंदा तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। अब बाकी मेरे जैसा चुलवादी इंसान हुआ तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ही आएगा। जो स्प्रे लेता मैं सबसे पहले वहीं जाता हूँ, तो देख लेना हल्का फुल्का डिफरेंस भी होता है ना चुलवादी इंसान में और एक नॉर्मल कॉन्करर रैंक पुशर में। अब देख रहे हो इतनी ज्यादा दूर तुम्हारे भाई ने दोनों को एक एक टन टन मारा है ना। दोनों में फिर बराबरी की बातचीत होगी ना, दोनों को बराबर डैमेज दी थे तुम्हारे भाई ने, बाकी वो जाने एक ने एक को धर लिया होगा। वो जाने भैया, मेरे को क्या लेने देना, मेरा तो किल गया। अरे भाई मजाक चल रहा है क्या? और एक तो तुम लोगों बेशर्मों की तरह देखते जा रहे हो, इसके लिए भी लाइक नहीं करोगे। 200 मीटर दूर तुम्हारे भाई ने खड़े होके बिना पीक लिए एकदम सीधा बंदा नॉक दिया है, वो भी जिसका सिर्फ सर दिख रहा है, एकदम आराम से नॉक। बाकी PP19 बाइजन वाले तेरी ऐसी तैसी, साले ने किल चुरा दिया मेरा। अब देखो अब तो भैया अब होगा रिवेंज, बाकी ऐसे में इसी से पिलाऊं लास्ट में, वो देख लिया जाएगा, कोई बात नहीं। जस्ट इग्नोर सिली थिंग्स। अब देखो एक बियाडे वाला अपने मजे ले रहा है अगल बगल से, है ना, आ जाओ इसके मजे निकाल दें। अरे विजय भैया मैं बीआरडीएम वाले से मजे लेने लचा रहा था, लेकिन तुम्हें बीच में बिना मतलब क्या ना, ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ। समझ ही गया ना तुम लोग। बाकी देखो बीआरडीएम वाले की बात, अबे व्हाट इज दिस बिहेवियर, ऐसे थोड़ी चलता है भाई। तुम आके एक DBS का शॉट खा के अपनी बीआरडीएम ऐसी तैसी करा के दोबारा वापस जाके भागने लग गए यहाँ से, ऐसे थोड़ी चलता है। अब छोड़ूंगा थोड़ी। नॉट योर डेथ है, हाँ भैया जी मालूम है, आई एम योर डेथ, है ना। अब इन भैया जी को मारने के बाद अच्छे खासे 5 किल हो गए थे, मेरे अलावा लास्ट के जितने भी बच रहे उन्हें बचा रहे दो, है ना, ये निपट जाते हैं आपस में, लास्ट बंदा बच रहा है, चलो पुश करें इस पे। अब देखो हमारे बीच में काफी देर नेड मौली फलाना ढिमकाना घोड़ा घसन सब चलता है, जिससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता दोनों को, है ना। लास्ट में तुम्हारे भाई ने जो DBS हगी है, मतलब भाई मजाक सट के मेरे को साफ साफ ऐसे दिखा है कि मैं बहुत ईजी मार सकता था। इतनी क्या जल्दी थी मेरे को फायर देने की, बंदा कवर से बाहर नहीं आया, पहली प्री फायर दे दिया वो भी DBS का, बाकी बंदे ने बढ़िया शॉटगन चिपकाई और बाकी देखो 3 चिकन हो जाते, 3 तिकड़ा काम बिगड़ा, इसलिए छोड़ दिया ये वाला चिकन मैंने। बाकी अब देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर अच्छी ना लगी हो तो लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को शेयर भी कर दे, कमेंट भी कर दे। अब तुम्हें अच्छी लगेगी सिर्फ लाइक करने को बोल रहा ना, कर दो शांति से। बाकी मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्याम सारे भाई को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।